सुप्रीम कोर्ट ने नोट के बदले वोट मामले में 1998 के अपने फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने राजनीति में नैतिकता को काफी जरूरी मानते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घूस लेने वाले ने घूस देने वाले के हिसाब वोट दिया या नहीं। विशेषाधिकार सदन के साझा कामकाज से जुड़े विषय के लिए है। वोट के लिए रिश्वत लेना विधायी कामकाज का हिस्सा नहीं है। दरअसल साल 1991 के आम चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और नरसिंहा राव देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन जुलाई 1993 के मॉनसून सत्र में ही राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। तब आरोप लगे कि शिबू सोरेन और उनकी पार्टी के 4 सांसदों ने पैसे लेकर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की। सीबीआई ने इस मामले में सांसदों के खिलाफ जांच शुरू की, लेकिन कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत मामले को रद्द कर दिया और कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने तब कहा था कि सांसद और विधानसभा के सदस्य बिना चिंता या डर के स्वतंत्रता से भाषण या फिर वोट दे सकते हैं। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के कारण यह मामला फिर उठा, यह बात 2012 के राज्यसभा चुनाव की है। सीता तब विधायक थी, अब भी हैं। तब सीता पर आरोप लगे कि उन्होंने रिश्वत लेकर राज्यसभा चुनाव में वोट दिया। उन पर केस दर्ज हुआ, सीता हाई कोर्ट गई। 17 फरवरी 2014 को हाई कोर्ट ने मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। फिर सीता सोरेन सुप्रीम कोर्ट गई। अपने ससुर शिबू सोरेन के मामले के तर्ज पर वे कार्रवाई से छूट चाहती थी, लेकिन अब कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। अब सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं।